तकनीक के साथ जमाना तेजी से बदल रहा है। इन दिनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नया दौर है। बड़े से बड़े ब्रांड का फोकस एआई पर है। हर कोई इस एआई के जंग के मैदान में अपना बेहतरीन योद्धा उतारना चाहता है, चाहे हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट के चैट जीपीटी की या गूगल के बार्ड की। हाल ही में गूगल ने गूगल आईओ 2023 में एआई को लेकर बड़े ऐलान किए हैं। क्या है एआई को लेकर गूगल का नया प्लान, क्या ही पूरी खबर बताएंगे सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में। अल्फाबेट सीईओ सुंदर पिचाई ने गूगल आईओ 2023 इवेंट की शुरुआत ही एआई से की। इवेंट में गूगल ने बताया कि किस तरह से एआई आने वाले दिनों में यूजर्स के इंटरनेट यूज के तरीकों को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। अपने एनुअल इवेंट में कंपनी ने बार्ड को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया है। इस एआई चैटबॉट का इंतजार लोगों को लंबे वक्त से था। इसकी वजह है माइक्रोसॉफ्ट का चैट जीपीटी बेस्ड नया बिंग, जिसमें तमाम सुविधाएं मिलती है। बिंग और चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए गूगल ने जनरेटिव सर्च और बार्ड लॉन्च किया है। गूगल के एआई पर आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बिंग क्या है ये बता देते हैं। बिंग चैट चैट जीपीटी से एक कदम आगे है। बिंग रियल टाइम में इंटरनेट पर सर्च कर सकता है, हालांकि रियल टाइम में गलत जानकारी मिलने का भी खतरा बना रहता है। ज्यादातर केस में बिंग हर जवाब का सोर्स भी बताता है। इससे आपको सहूलियत मिलती है कि आप हर जानकारी की सटीकता से जांच कर सकें। अब आइए गूगल के एआई प्लान पर। गूगल यहाँ रुकना नहीं चाहता है, कंपनी ने इससे आगे की भी प्लानिंग कर ली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जेमिनाई की, जो गूगल के एआई वर्ल्ड का फ्यूचर प्लेटफॉर्म होगा। अब आपको बर्ड और गूगल में क्या अंतर है इसके बारे में बता देते हैं। बार्ड गूगल के लैंग्वेंट मॉड्यूल PaLM 2 पर बेस्ड है, जबकि जेमिनाई इससे आगे की कहानी लिखेगा। इसमें यूजर्स को मल्टी मॉडल कैपेबिलिटीज मिलेंगी, जो इससे दूसरे से काफी आगे पहुंचा देगी। गूगल ने एक ब्लॉग पोस्ट में इसके बारे में बताया है। कंपनी ने लिखा, हम जेमिनाई पर काम कर रहे हैं। हमारा अगला मॉडल ग्राउंड से मल्टी मॉडल तक होगा, जो API इंटीग्रेशन और टूल्स में बहुत प्रभावी होगा। इसका इस्तेमाल मेमोरी और प्लानिंग जैसे फ्यूचर इनोवेशन में किया जा सकेगा। ये प्लेटफॉर्म अभी ट्रेनिंग फेज में है, लेकिन इसकी मल्टी मॉडल क्षमताएं सामने आ चुकी है। टेस्टिंग और फाइल ट्यूनिंग के बाद कंपनी इसे विभिन्न साइज और कैपेबिलिटीज के साथ लॉन्च करेगी। अब सवाल आता है कि क्या जेमिनाई चैट जीपीटी और बिंग एआई से बेहतर होगा। अगर चैट जीपीटी की बात करें तो चैट जीपीटी सिर्फ एक टेक्स्ट मॉडल है। चैट जीपीटी की मदद से आप न तो तस्वीर क्रिएट कर सकते हैं, न ही ये तस्वीरों को समझ पाएगा। वहीं जेमिनाई मल्टी मॉडल कैपेबिलिटीज के साथ आएगा, यानी इस पर कई काम किए जा सकेंगे। इसका मतलब है कि ये टेक्स्ट, कोड और इमेज जनरेट और रीड दोनों कर सकेगा। इसका मतलब है कि जेमिनाई का इस्तेमाल बेहतर और बड़े स्तर पर किया जा सकेगा। कुछ ऐसा ही बिंग का भी हाल है। बिंग में आपको इमेज क्रिएट के लिए अलग लिंक मिलता है, लेकिन चैट के ऑप्शन में आपको ये फीचर नहीं मिलेगा। ऐसे में अगर जेमिनाई ये दोनों फीचर्स एक साथ लाता है तो ये दूसरों से आगे निकल जाएगा। अब देखना ये होगा कि कब जेमिनाई लॉन्च होता है और क्या वाकई ये चैट जीपीटी और बिंग को कर दे पाएगा। आपको हमारी जानकारी कैसा लगी कमेंट के जरिए बताएं। मेरे को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।